हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम गोरखा शासन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको गोरखा शासन के वीडियो लगातार मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को रेड कलर में एक बटन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को इस तरीके से चैनल हमारा सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा सब्सक्राइब्ड और एक घंटी का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको घंटी पर भी क्लिक करना है तभी आपको सभी वीडियो मिल पाएंगे तो आज मैं बात करने वाला हूँ गोरखा शासन में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आज गोरखा शासन नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि थोड़ा घर में आया हुआ हूँ तो यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाऊँगा मैं कवर तो पंद्रह जनवरी से लगातार वीडियो मिलेंगे आपको इसके पाँच से सात वीडियो लगभग बन जाएंगे इसमें तो सबसे पहले तुम देखेंगे गोरखा शासन में पहले कैसे चंद वंश के राजाओं को गोरखों ने हराया फिर गढ़वाल को भी जीता और इन दोनों युद्धों में किसने साथ दिया था हर्षदेव जोशी ने साथ दिया था पूरी स्टोरी सहित बताऊंगा वहाँ पर 15 जनवरी से जब यहाँ पर इसकी क्लासेज शुरू होगी इसके बाद हम पढ़ेंगे नेपाल के कुछ राजाओं के बारे में यहाँ पर मैंने अभी कुछ राजाओं के नाम लिखे हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं भी कुछ और राजा ऐड करूँगा जब मैं देहरादून जाऊँगा तो वहाँ से मैं स्पेशली एक बुक लेने वाला हूँ नेपाल के इतिहास पे तो वहाँ से अच्छे से मैं इन सभी राजाओं के बारे में और डिटेल में आपको बता पाऊँगा तो आपको करना क्या है जब भी मैं जो वीडियो मैं बनाऊँगा जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया किस पे गोरखा शासन पे 1790 से 1815 के बीच क्या क्या किया गोरखों ने उत्तराखंड में तो जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं पढ़ाऊँगा उस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके पास कोई जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी कुछ आपसे सीखने को मिले इस वीडियो को बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूं तो जो जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो गोरखाओं के बारे में तो वो, वो आप ज़रूर शेयर करें फिर पढ़ेंगे हम गोरखाओं का प्रशासन ठीक है कुमाओं के गोरखा प्रशासक पढ़ेंगे देखेंगे कुमाऊँ में कौन कौन से गोरखा प्रशासक थे यहाँ पर पूरी स्टोरी सही बताऊँगा यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे गोरखाओं के जितने भी थे गवर्नर फिर गढ़वाल के गोरखा प्रशासक पढ़ेंगे देख लीजिए पूरे डिटेल में लिखा हुआ है मैंने इसमें मैं अभी और भी ऐड करूँगा पंद्रह तारीख तक घर आया हूँ तो और ऐड करने की जिम्मेदारी है मुझ पर गोरखा सेना के बारे में पढ़ेंगे फिर डिटेल में समझेंगे किस प्रकार की इनकी सेना हुआ करती थी इसके बाद गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार इनके कहाँ कहाँ केंद्र थे ये पढ़ेंगे हम ये देखिए कितनी सुंदर पिक है खुकरी लेरखी हाथ में फिर गोरखों की न्याय प्रणाली के बारे में जानेंगे ठीक है गोरखों की न्याय प्रणाली इसके बाद हम देखेंगे ट्रेल ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे गोरखों की न्याय प्रणाली पे गोरखों के आय के साधन देखेंगे यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं टैक्स रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर आय के साधन क्या क्या हैं इसके बाद हम देखेंगे भोजन धर्म और आंग्ल गोरखा युद्ध जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके यहाँ से समझ में नहीं आएगा ये फ़ोटो जो यहाँ पर बनी है पूरी ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन जब मैं क्लासेस शुरू करूंगा इसकी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था ठीक है तो आंग्ल गोरखा युद्ध देख लीजिए आप कितने अच्छे से यहाँ पर मैंने नोट्स तैयार किए हैं में बहुत ही मेहनत से बहुत मेहनत का काम नहीं आ रही है काफ़ी समय लग गया मुझे काफ़ी पहले से बने हुए हैं लेकिन बस वही है कि अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है अब मैं ये पी आपको यदि उपलब्ध करवा भी देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा तो जब मैं वीडियो बना दूँगा उसके बाद मैं आपको इसकी पी भी उपलब्ध करवाऊँगा तो देख लीजिए इस तरीके से पूरा एक गोरखा शासन यहाँ पर ये यह देखिए खलंगा स्मारक भी गया मैं स्पेशल इस, इस चीज़ के लिए देखिए कलिंगा खलंगा स्मारक वहाँ से भी मैं फ़ोटो लेके आया फिर और स्पेशल वहाँ का एक वीडियो भी बना के लाया हूँ तो इस प्रकार से हम देखेंगे पूरा गोरखा शासन किस प्रकार से हुआ और लास्ट में हम गोरखा से संबंधित अन्य फैक्ट होंगे जो लास्ट में जो मतलब वीडियो के स्टार्टिंग से जितने भी वीडियो बनेंगे वीडियो के पार्ट होंगे जो वहाँ पर जो फैक्ट कवर नहीं हो पाएंगे वो सारे फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इसमें मुझे भी कुछ और फैक्ट भी ऐड करने हैं तो पंद्रह तारीख के बाद आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे गोरखा के दो दो तीन तीन दिन के गैप में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं मुझे कि नोट्स आपको कैसे लगे और जब से ये वीडियो बनने शुरू होंगे बस आपसे एक रिक्वेस्ट है जिस दिन से ये वीडियो बनने शुरू होंगे उस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक के बारे में हो सकता है आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन आप साझा करें कमेंट बॉक्स में ताकि मैं भी कुछ सीख सकूँ और, और लोग भी कुछ सीख सकें जो कि वहाँ पर कमेंट करेंगे तो चलिए मिलते हैं पंद्रह जनवरी को आपके साथ फिर से गोरखा शासन अब एक बार शुरू होने वाला है बहुत ही मतलब डिमांड है काफ़ी लोगों ने बोला कि गोरखा शासन शुरू करें गोरखा शासन शुरू करें तो पंद्रह जनवरी से आपकी क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी तो मिलते हैं पंद्रह जनवरी को धन्यवाद